खालिद अब्दुल्ला साहब, अभी तो अर्जुन सिंह के घर के बाहर ही बम फटे हैं, 14-14 बम। ये लोग अपने चलवाते हैं बम। अच्छा, अपने घर के ऊपर अपने ही बम फेंकवा देते हैं? बिल्कुल, ये जम बम चला। अगर बम चलाना होता तो इनके घरों में चलता, बम तो इनको रास्ते में क्यों चलेगा? बम अगर चलाना है रास्ते में 14 बम। अच्छा, आप ही की सरकार में मंत्री थे ना जाकिर हुसैन साहब, जिन पर मुर्शिदाबाद में हमला हुआ, उन्होंने भी अपने ऊपर फेंकवा दिया। मैं कह रहा हूं कि वो भी एक मामला जानकारी इंक्वायरी की मामला। आप कह रहे हैं कि वो नहीं, बताइए ना, बताइए उसमें कौन था, उसके पीछे कौन था? अरे मेरे भाई, इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, इंक्वायरी चल रही है, यहां पर आप नतीजे जब भी इंक्वायरी चल रही है, भारत की जनता पार्टी का हाथ था, भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। अरे भैया, अरे ओहो, अरे मेरे भाई, यदि भारतीय जनता पार्टी का होता अभी तक हिरासत में होता। अरे मेरे भाई, ठीक है भाई, इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन रविशंकर दत्ता मुझे जंगल महल से नजर आ रहे हैं, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रवि, आवाज मिल रही है आपको? रविशंकर क्या कर रहा था? इंक्वायरी रेलवे पुलिस के अंदर। रविशंकर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए एक के बाद एक लगातार चुनावी हिंसा का ये जो दौर है ये थमता हुआ नजर आ नहीं रहा है, तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है इस बार बंगाल के चुनावों में? देखिए, इस बार बंगाल के चुनाव में जो मुद्दे हैं उनमें से एक बड़ा मुद्दा है कानून का मुद्दा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लगातार इसमें आपत्ति जताया है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी जाकिर हुसैन पे हमला होता है, अर्जुन सिंह पे हमला होता है, उनके घर के सामने बॉम्ब फटते हैं, तो ये एक पे एक मुद्दा आ जा रहा है। कल मिदनापुर में झमेला हुआ, उसका पहले नदिया में झमेला हुआ, हुगली में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके ऊपर गोली चलाई है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का समस्या हमेशा के लिए बंगाल में रहा है। लेफ्ट के ज़माने में भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। जब तक इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाता, जो लोग ये काम कर रहे हैं, अगर किसी को पता है कि कौन ये काम कर रहा है, इसको लेकर अगर चुनाव आयोग के पास जाके उनको कंप्लेन करके आइडेंटिफाई करवा के इन लोगों को हिरासत में नहीं लिया जाता, तब तक ये रोकने वाली बात नहीं है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव ऐसे हैं कि बाहर के लोग आ जाते हैं, बाहर के जो लोग हैं वो कभी आ जाता है, कभी स्टिंग ऑपरेशन में दिखता है, कभी इंटरव्यू में दिखते हैं, तो ये भी बंद होना चाहिए यार, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर एरिया है, नदिया से शुरू करके कुचबिहार तक ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और यही इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को वहाँ पर तैनात किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करने के लिए पुलिस अधिकारी पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जा रहा है, लेकिन ये ठीक कब होगा इसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।